सन 1811 में जब फ्रेंच जर्मनी पर रोल करता था, इस दौरान विल और जेक द ग्रीन ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध पैसे के बदले भूतों को हंट करना उनका पेशा है। कुछ इसी काम से दोनों को एक गांव से बुलावा मिलता है, जहां कुछ समय से एक चुड़ैल उनके गांव को हॉन्ट कर रही है। वो उनके लिए चुड़ैल को भगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर इसके लिए वो उनसे अच्छे पैसे डिमांड करते हैं। डील पक्की होने पर जब रात का समय होता है, जहां चुड़ैल यूजुअली कॉटेज में भटकते नजर आती है, दोनों एक गांव वाले के प्रेजेंस में अपने स्पेशल सूट, इक्विपमेंट और रिचुअल की तैयारी में लग जाते हैं। फिर तभी उन्हें किसी शक्तिशाली आत्मा का प्रेजेंस महसूस होता है। इससे पहले कि वो खुद को तैयार कर सके, चुड़ैल उन पर ऊपर से हमला करती है, पर दोनों भी डटकर मुकाबला करते हैं। वो उसे खत्म करने के लिए उस पे चेस पर वार करने ही वाले होते हैं कि चुड़ैल दोनों को अपने वश में करके एक दूसरे को खत्म करने के लिए मजबूर करने लगती है, पर कैसे तो उसके कंट्रोल से छूटने पर दोनों अंत में चुड़ैल को धूल में बदल देते हैं। पर बाद में पता चलता है कि दोनों भी जालसाज हैं, क्योंकि दोनों खुद ही गांव-गांव जाकर अपने और दो साथी की मदद से झूठा भूत का अटैक सेटअप करके खुद ही उसे भगाने की एक्टिंग करके लोगों से पैसे ऐंठते हैं। वहीं दूर किसी मारबडेन जंगलों में एक लड़की बेरीज के तलाश में गलती से अपना रास्ता भटक जाती है, और सून उसे रियलाइज होता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। फिर तभी किसी भेड़िए की आवाज से वो एकदम घबरा जाती है, और एक जिंदा चलता पेड़ उसका रास्ता रोक लेता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग पड़ती है, पर मानो वही भेड़िया उसके पीछे लगा होता है। वो अपने गांव पहुंचने ही वाली होती है कि तब तक कोई अदृश्य खूंखार भेड़िया उसे जंगलों में खींच लेता है। वहीं इस तरफ ग्रिम ब्रदर्स के जालसाजी का अंत आ जाता है, क्योंकि एक इटालियन टॉर्चरर कैवेल्डी को उनके जालसाजी के बारे में पता चल जाता है, और उन्हें सजा दिलाने के लिए घसीटते हुए किंग डेला टोम्बे के सामने पेश करता है। दोनों भी अपने साथियों के साथ खौलते पानी में उबल कर मारे जाने वाले होते हैं, पर अंत में विल अपने जान के बदले उनके लिए कुछ भी करने के लिए किंग को मना लेता है। किंग फिर उन्हें उसी मारबडेन गांव के केस पर लगा देता है, क्योंकि उनके अनुसार वहां भी उनकी तरह कोई जालसाज है जिसने अब तक कई मासूम बच्ची को गायब किया, क्योंकि वो भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते और ना ही जो कोई इसे फॉलो करता है। वहीं उसी दौरान दो और बच्चे उसी घने जंगल में भटक जाते हैं, और फिर तभी कुछ अजीब कोई सुपरनेचुरल इवल पावर उस बच्ची को किसी गुफा की तरफ लूर करने लगता है, जिसकी दीवार पर उसे डरावनी और अजीब मार्किंग्स दिखाई देती है, और अंत में कोई हंट्समैन उसे दबोच लेता है। अब यहाँ दोनों का भी मारबडेन गांव पहुंचने पर वो तुरंत एक विलेजर एंजेलिका से मदद की विनती करते हैं, क्योंकि उसे जंगल का चप्पा चप्पा पता है, पर गांव वालों की मानो तो उसका परिवार श्रापित है। फिर भी उनकी बातों को इग्नोर करके सभी उसी जंगल के सबसे भूतिया इलाके में प्रवेश करते हैं, जहां जानवर भी जाने से कतराते हैं, और जहां एंजेलिका उन्हें एक रहस्यमय तहखाने से घिरा एक विशाल मीनार दिखाती है, जिसे नष्ट करने के बावजूद वो अगले दिन फिर से प्रकट हो गया, और जिसके अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। एक समय उसके पिता कहा करते थे कि सदियों पहले यहाँ पेगन के लोग रहा करते थे, पर एक दिन क्रिश्चियन किंग कैडियक आए ने यहाँ सिटी तैयार करने के लिए सभी पेगन लोगों की जान ले ली, और इस राज्य में थुरिंगेन की रानी रहा करती थी, जो अपनी सुंदरता के लिए कई देशों में प्रसिद्ध थी, पर वहीं वो अपने क्रूरता के लिए बदनाम भी थी। पर फिर प्लेग के बवंडर ने पूरे राज्य को निगल लिया, जिसके प्रकोप से बचने के लिए क्वीन ने ये मीनार तैयार किया, पर इस बात से बेखबर कि प्लेग हवा से भी फैलता है, इसलिए धीरे धीरे उसकी सुंदर चमड़ी सड़ने लगी। वो कहा करते थे कि आज भी उसकी चीख समुद्र के पार तक सुनाई देती है। एंजेलिका और बताती कि उसके पिता पिछले विंटर में ही किसी वुल्फ के शिकार बन गए, जिसके ठीक बाद जंगल ने सबसे पहले उसके दो बहन को निगल लिया। जेको भी इन जंगलों में कुछ तो भूतिया महसूस होता है। वहीं इस तरह वही सेम गुमनाम हंट्समैन उनके घोड़े को कुछ तो घिनौना फीड करते नजर आता है। कैवेल्डी को भी किसी एक तहखाने के नीचे चमकता रिंग नजर आता है, जिसे हासिल करने के पीछे कुछ तो डरावना उस पर अटैक कर बैठता है, और सारे रेवन अचानक से चीखने लगते हैं। अब डर के मारे और वहीं कुछ ठोस ना मिलने पर सभी लौटने का तय करते हैं। इस बात से अनजान कि उनके घोड़े को कुछ तो किया गया है, और उसी रात जब सभी चैन की नींद ले रहे होते हैं, वो हॉर्स अपने रोने की आवाज से गांव की एक बच्ची को अपने तरफ लूर करता है, और देखते ही देखते वो उसे अपने मकड़े जैसे जाल में लपट कर जिंदा निगल जाता है।
चीख सुनने पर सभी उस घोड़े के पीछे लग जाते हैं, पर रास्ते में वो हॉन्टिंग ट्रीज उन पर हमला करते हैं। कैवल्डी के एक साथी को तो वो ट्रीज उसके घोड़े के साथ उछाल कर फेंक देते हैं और दूसरे को तो जिंदा निगल जाते हैं। वहीं एंजेलिका का आमना सामने उसी जंगली भेड़िए से होता है जो उसके अनुसार उसके पिता को गायब होने का जिम्मेदार है। वो अपने पिता का बदला लेने की पूरी कोशिश करती है पर भेड़िया काफी फुर्तीला निकलता है। पर सबसे हैराने की बात ये कि अंत में वो उस पर वार नहीं करता, क्योंकि उसकी आंखें गौर से देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ये उसके पिता है, यानी कि ये सच है कि उसका परिवार कर्स्ड है। शायद इसीलिए उसकी बहन को उसके पिता के गायब होने के ठीक बाद इस जंगल ने निगल लिया। गांव रिटर्न लौटने तक जेक फिगर आउट कर लेता है कि एंजेलिका का श्राप उस मीनार और उस क्वीन से कनेक्टेड है जो सदियों पहले पेगन के लोगों पर अत्याचार किया करती थी उनसे इटर्नल लाइफ का मंत्र हासिल करने के लिए। इसीलिए उसके अनुसार शायद अब भी वो क्वीन उस मीनार पर जिंदा है और वो अब भी एंजेलिका के खोए बहनों को खोज निकाल सकते हैं, क्योंकि उसे एंजेलिका से सच्चा प्यार हो जाता है और उसका दुर्भाग्य कि उसे विल पसंद होता है। इसीलिए गुस्से में अकेली क्वीन का पता करने के लिए निकल पड़ता है, जिसके पीछे विल को भी जाना पड़ता है। इस तरफ गांव की एक बच्ची शैशा कुएं से पानी निकालते वक्त एक रेवन किसी कारण से सीधे कुएं में डूबकर अपनी जान दे देता है। क्यूरियोसिटी में जब शैशा उसे पानी से निकालती है तो वो अचानक में जिंदा हो जाता है और फड़फड़ाते हुए उस पर कीचड़ फेंकने लगता है, जो एक्चुअली में कोई काला मंत्र निकलता है क्योंकि उससे उसकी आंखें और जुबान बाहर निकल आ जाती है। इतना कम नहीं कि अब कोई फेसलेस कीचड़ से बना जिंजरब्रेड मॉन्स्टर कुएं से निकलकर शाशा की आंखें और जुबान खुद पर चढ़ाकर बेचारी शाशा के पीछे पड़ जाता है। गांव वाले उसे ढेर करने की कोशिश करते हैं पर उसमें फिर से जान आ जाती है। एंजेलिका के रोकने पर भी वो अंत में शाशा को लेकर सीधे कुएं में कूद जाता है। कैवल्डी को यकीन नहीं होता कि उसने अपने आंखों से सच में भूत प्रेत अनुभव किया। वहीं इस तरफ जेक के मीनार की ऊंचाई पर पहुंचने पर वो नोटिस करता है कि ये मीनार एग्जैक्ट क्लॉक पैटर्न में 12 तहखाने से घिरा है। अब कैसे तो मीनार में एंटर करने पर उसे वो पूरी जगह खंडर, ब्लड मून की नकाशी और मंत्र की किताब भी मिलती है, पर सबसे जरूरी कि उसका मानना सही निकलता है क्योंकि उसे बूढ़ी क्वीन जिंदा पड़ी नजर आती है। वहीं शशा कुएं से मीनार के तालाब से निकल आती है। इससे पहले कि वेल उसे बचाए वो ही हंट्समैन शशा को किसी तहखाने में लिटाकर उसे किसी रिंग के मंत्र में कैद कर देता है। तहखाना बंद होने से पहले वेल उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों में अब लंबी लड़ाई छिड़ जाती है। वहीं क्वीन को जेक का भनक लग जाता है और उसे अपने मैजिक मिरर के मदद से रिफ्लेक्शन के जरिए अपने वश में करने लगती है, जहां सब जवान नजर आता है। पर वो कैसे तो उसके चंगुल से छूटकर सीधे मीनार से कूद जाता है और वो सीधे हंट्समैन पर गिरता है। दोनों तुरंत शाशा को लेकर गांव भाग पड़ते हैं, पर शाशा शायद अब भी क्वीन के स्पेल में ट्रैप्ड है। इतना कम नहीं कि उसे देखकर एक बुजुर्ग अजीब अजीब पहेली में बड़बड़ाने लगती है, जिससे फाइनली जेक को चमकता है कि क्वीन इटर्नल लाइफ मंत्र के कारण अब भी जिंदा तो है, पर इससे उसकी जवानी बरकरार नहीं रही। वहीं वो मंत्र की किताब, 12 तहखाने और वो ब्लड मून की नकाशी यही साइन है कि ये गांव पानी के जरिए क्वीन के स्पेल से श्रापित है, जो एक्लिप्स के दिन 12 युद्ध की जवानी को भेंट चढ़ाकर वो इटर्नल युद्ध भी पाने की कोशिश में है। और शाशा उसकी 12वीं बलिदान होने वाली थी क्योंकि आज ही एक्लिप्स होने वाला है। पर और मुसीबत की किंग को इस अंधविश्वास कहानी का पता चलने पर वो पूरे जंगल के साथ दोनों को भी इसमें जलाने का सजा सुनाता है, पर ऐन मौके पर सीक्रेटली एंजेलिका उन्हें बचा लेती है। पर अंत में एक जलते पेड़ के कारण दोनों बच जाते हैं और अब वही भेड़िया एंजेलिका को घेर लेता है। पर अब वो भेड़िया उसी हंट्समैन में बदलकर वो सच में एंजेलिका के पिता निकलते हैं, जहां अब रिवील होता है कि कैसे पिछले विंटर के दौरान जब वो भयंकर ठंड के कारण मरने वाले थे तो क्वीन उन्हें सीड्यूस करके किसी मंत्र से उन्हें अपना गुलाम बना दिया, यूथ पाने के मंत्र को उसके लिए कंप्लीट करने के लिए। वो अब भी क्वीन के वश में वो एंजेलिका पर वार करने बढ़ते हैं, पर ऐन मौके पर जेक उसे बचा लेता है, पर गलती से वो नजदीक के झील में गिर जाती है और हंट्समैन उसी मंत्र रिंग से एंजेलिका को कैद कर देता है। जेक को समझ जाता है कि वही 12th शिकार है क्वीन का, पर तब तक हंट्समैन भाग निकलता है और उसके कुछ देर बाद एंजेलिका भी शाशा की तरह मीनार के करीब के तालाब से नजर आती है। हंट्समैन उसे भी तहखाने में कैद करके उसका खून क्वीन को चढ़ाने पड़ता है। वहीं क्वीन को महसूस हो जाता है कि जंगल को आग लगा दी गई है।
इसलिए वो अपने एक ही फूंक से पूरे जंगल का आग बुझा देती है। किंग अब भी भूत ये चीजें मानने को तैयार नहीं, उसे लगता है कि इसके पीछे भी ग्रिम ब्रदर्स है और उन्हें हंट करने का तय करता है। पर सिवाय एक दो के छोड़कर उसके वफादार डर के मारे भाग निकलते हैं। इससे पहले कि यहाँ दोनों क्वीन को रोकने की सोचे भी, किंग कैवेल्डी के साथ उन्हें मारने पड़ता है। पर अपने किंग के बेवकूफी के सामने कैवेल्डी अपना साइड बदल देता है, जिसकी सजा के तौर पर वो उसे वहीं शूट कर देता है। अंत में दोनों का किंग और उसके एक नौकर में लंबी लड़ाई चलती है, पर आखिर में दोनों मारे जाते हैं। वहीं लकीली कैवेल्डी भी बच जाता है अपने प्रोटेक्टिव सूट के मदद से। पर जब तक दोनों क्वीन को रोके तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि एक्लिप्स के शुरू होते ही हंट्समैन उसे 12वें शिकार का खून चढ़ा चुका होता है और अब उसकी यूथ रिटर्न लौट आती है। दोनों फिर भी क्वीन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों को भी एक दूसरे को खत्म करने के मंत्र में बांध देती है। अब कभी भी एक्लिप्स खत्म हो जाएगा, जिसके कारण सभी मंत्र में कैद मारे जाएंगे। वहीं वो क्वीन के शक्तिशाली मंत्र में कैद, उन्हें रियलाइज होता है कि इससे छूटने के लिए किसी एक को अपनी जान देनी पड़ेगी, और विल खुद को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि सिर्फ जेक ही जानता है कि कैसे क्वीन को रोका जा सकता है। अब विल का दम टूटने लगता है और जेक को समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे क्वीन को रोके। क्वीन भी विल को अपना नया गुलाम बनाने का तय करती है, इसलिए वो मंत्र हंट्समैन से निकाल कर विल पर कास्ट कर देती है, जिससे विल में जान आ जाती है। पर अब हंट्समैन से जान निकलने लगती है, क्योंकि उस दौरान उनके मरते वक्त क्वीन ने स्पेल कास्ट करके उसे जिंदा रखा था। लकीली जेक क्वीन की कमजोरी मिरर का समझ जाता है, और इससे पहले कि क्वीन अपने चोजन वन को किस करके स्पेल कंप्लीट करे, वो मिरर को तोड़ देता है, जिससे क्वीन एक मिरर की तरह टूटने लगती है। हंट्समैन को समझ आने पर कि क्वीन उसके बेटी की कातिल है, वो कैसे तो हिम्मत करके बदले के आग में मिरर लेकर कूद जाते हैं, जिसके पीछे विल भी अब क्वीन के कंट्रोल में उसे रोकने की कोशिश में कूद जाता है। पर विल उसे रोक नहीं पाता और मिरर के टूटते ही क्वीन और उसका मीनार मिट्टी में बदल जाता है, पर स्पेल अब भी टूटा नहीं होता। फिर तभी कैवेल्डी को अपने बचपन के फेरी टेल से याद आता है कि ट्रू लव के किस से ही स्पेल को तोड़ा जा सकता है, जो एक्चुअली में काम कर जाता है जब जेक अपने ट्रू लव एंजेलिका और एंजेलिका अपने ट्रू लव वेल को किस करती है, और अंत में सभी बच्ची भी बच जाती है और गांव भी क्वीन के शराप और निर्देश किंग के कैद से आजाद हो जाता है। पर मूवी के एंड में रेवन क्वीन के उसी टूटे टुकड़े को लेकर कहीं ले जाते नजर आता है, यानी कि शायद क्वीन अब भी रेजरेक्ट हो सकती है, सिंस उसके पास इटर्नल लाइफ की शक्ति थी। और ये वीडियो यही एंड हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।